मेरा नाम सुमेंद्र सिंह है, बल्कि इनके बेटे, इस घर के वारिस। इनके पोते का नाम है सुमेंद्र दुष्यंत प्रताप सिंह। और कुंडली के हिसाब से सोमा राम सिंह। सोमा राम सिंह यानी सुमेंद्र दुष्यंत प्रताप सिंह। बहुत चालाक है ये। इसने बड़ी आसानी से वो लाई डिटेक्टिंग मशीन को झूठा साबित कर दिया। ये झूठ क्यों नहीं रहे? ऐसा कैसे हो सकता है? ये टैटू तो नकली है, इस इंसान की तरह। साली, जब से आई तब से परेशान करके रखा है। नौकरानी होकर मालिक बनने की कोशिश कर रही है, हैं? मुझे नकली साबित कर रही थी। कर लिया नकली साबित, अब निकल यहाँ से, निकल। अम्मा, जब तक सुमेंद्र पचवार ठीक नहीं हो जाता, तुम यही रहोगी, भूल कर भी उसके सामने नहीं आओगी। अम्मा, आपको पता है ना, भाभी बिना सोचे समझे कभी कुछ भी नहीं कहती। अब हमको अपने बेटे के दर्द के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सुनो बेटे साहब, कोर्ट का फैसला आ गया है, आज से ठीक दो दिन के बाद सुबह 6 बजे तुम्हें फांसी दी जाएगी। चीजों को घुमाने का अलग ही अंदाज है मुझ में, तभी तो मेरे हाथ का नकली टैटू भी एक ही रात में असली बन जाता है। बहरूपिया, बहरूपिया हूं मैं। मैं सुमेंद्र का हम शक्ल। भूख लगी है, क्या खाएगी? गुस्से जीरा। अरे शाबाश बेटा, बस वहीं रुको, वहीं रुको, वहीं रुको। हाँ, अभी देते हैं तुम्हें खाना। हाँ, तू चाहे जो भी हो, जितना भी बड़ा 30 मार खान क्यों ना हो, लेकिन एक बात याद रखना, शैतान के राज करने की उम्र ज्यादा नहीं होती। गुस्सा, गुस्सा करेगी तो हासिल कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुझ जैसे लोगों के गुस्से का कोई वजूद ही नहीं होता। खाना चाहिए तो मच्छी रस ले ले, ठीक है? ये कुछ पैसे हैं, बाहर जाके कुछ खा के आओ। लेकिन माँ जी, ऐसा मैंने भी सोया हुआ है, तुम जल्दी जाकर खा आना, तब तक हम नजर रखेंगे। सीमा, मुझे कुछ राह दिखाई, कोई रास्ता दिखाइए, उसके होने का कोई सुराग तो दीजिए, वरना मैं सर पटक कर यहीं पर अपनी जान दे दूंगी।